जबरदस्ती प्यार में बर्बाद हो गया खुद ही प्यार किया अकेले एक तरफ से खुद ही बर्बाद क्या गाना है भाई अगर 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 ये गाना इसकी शादी में बजा दूं तो मेरी शादी में ये गाना बजा दिया तो हाथ मम्मी हाथ मांग लिया क्या करूं मम्मी रिश्ता आ गया मेरे स्कूल में फाइटर थी ये सच में संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय दियो की हालचाल हैरान सब ठीक ठाक वाला तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ मेरा जो इंट्रो है वो मैं पहाड़ी में देती हूँ तो मैं आप जो बाहर से मेरे मतलब और भी जो अननोन पहाड़ी है मतलब जो पहाड़ी नहीं है बाहर काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए मैं जो है सब टाइटल्स लगा देती हूँ तो मैं जो है अपना इंट्रो हमेशा ऐसी पहाड़ी भाषा में ही दूंगी तो चलिए मतलब काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा कि आप मतलब क्या बोलती हो क्या नहीं तो इसलिए मैं सब टाइटल्स उनके लिए रख रही हूँ तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जो है मैं एक गाने का रिएक्ट मैंने वो गाना मतलब मेरे ऊपर बनाया है वो गाना किसी ने पिथौरागढ़ की भावना चुफाल करके 4-5 दिन ही हुए उस गाने को आए हुए मेरी कज़न ने मेरे को भेजा रात को फिर मैंने सुना मेरे को हंसी आई मैंने सोचा है मम्मी पापा को भी सुनाती हूँ पापा थे नहीं भाई था और मम्मी थी तो रात हो गई तो उनको भी मैंने आधा ही सुनाया पूरा नहीं सुनाया तो उसके बाद पापा आज आ गए तो मैं सोच रही हूँ कि फैमिली के साथ बैठ के इस गाने की जो है रिएक्शन वीडियो जो है मैं बनाती हूँ तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ अलग कुछ हट के अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मैं आगे भी इसी टाइप्स की वीडियोज़ आप सभी के लिए लेके आऊँगी तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा को भी बुलाती हूँ और पंकज भी शायद आ जाए बीच बीच में करो स्टार्ट। तो गाइस मैं अपने मम्मी पापा और मैं तो आई नहीं पंकज के साथ एडजस्ट कर लेना बीच बीच में आएगा ये तो हम रिएक्शन वीडियो इस नए गाने की मम्मी ने तो सुन लिया था कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में मम्मी ये तो सुन लिया था थोड़ा सा मैंने भी सुना है थोड़ा अच्छी आई मेरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता बहुत बिजी है पापा मेरे मेरी तरह तो पापा को अभी सुनाती मेरा नया गाना आया है मेरे नाम मेरा, से मेरा नहीं है गाना मतलब मेरे नाम से नया गाना निकाला है किसी ने मेरा चश्मा कैसे लग रहा है पिथौरागढ़ की भावना चुफाला तो गाना मैं जो है सुनाने जा रही हूँ मम्मी ने एक लाइन तो सुनी ली थी मम्मी हंसी आई मेरे को तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लो खोल दिया मैंने भावना चुफाल न्यू सॉन्ग लिखा मेरा चैनल खुला और मेरे दो गाने आए और तीसरे नंबर पे आ गया ये गाना रीना और गंगा वाला गाना भी नीचे चला गया तो ये रहा पिथौरागढ़ की भावना चुफाल मेरी फोटो के साथ गाया है पंकज नेगी जी ने अच्छा ठीक है समझ गया वाओ पहाड़ अच्छा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ अच्छा है बोल रहे सीनरी स्टार्ट हो रही है क्वालिटी अच्छी कर देती हूं मैं बड़े ये बात तो भाई मेरा नेट खत्म हो जाएगा इससे भी ज्यादा अच्छी मक्खन क्वालिटी खेत में पड़ी है यहाँ देखो सुना तुमने कैसा लगा सुन के स्टार्टिंग के लाइन इंग्लिश में तो सही लिख रखा है वैसे हिंदी में भी नाम में भी लिखा था ना चौफाल लिख रखा है चौफाल होता है हिंदी में चौफाल यस आगे सुनते हैं गाना सीन तो मस्त नहीं है सीन सारे अच्छे थे देहरादून में है स्टूडियो
आपकी मम्मी हिरनी जैसी है, घुंघराला बाल है नहीं है मतलब जबरदस्ती प्यार में बर्बाद हो गया खुद ही प्यार किया के लिए एक तरफ से खुद ही बर्बाद क्या गाना है भाई अगर ये गाना इसकी शादी में बजा दूं तो मेरी शादी में ये गाना बजा दिया तो थोड़ा गड़े की चुफाल है यार मम्मी तुम बाना चुफाल चुफाल बर्बाद हो गया वो मेरे फोन में कुछ सीन अच्छे दिए हैं बीट तो बढ़िया है नाच बीट भी अच्छी है डांस के लिए सही है डीजे बजाने के लिए स्कूल में नखरा तेरा बड़ दिखिंदा फाइटर स्कूल में फाइटर थी ये सच में गले में पकड़ गया पल हां एक बार जो लड़ाई हुई थी के नाम से सिद्धार्थ भी होता था नहीं स्कूल में मतलब फाइटर थी मैं इनको कैसे पता चला इसने एक बार मैं ना इसकी क्लास में गया इसने एक बच्चे को लेटा रखा बेंच पे एक लड़के को हां उसको फिर मार रही उसको डेस्क पे बिल्कुल और ब्लैक बोर्ड पे टांग दिया मैंने उसको पीट के उसको ब्लैक बोर्ड में टांग दिया था उसने मेरे डेस्क पे प्रपोजल टाइप कुछ लिखा हुआ था मेरे क्लास के बच्चे भाग भाग के पंकज को बुलाए लेके तेरी बहन ने मार दिया उसे बचा ले तुम्हें कैसे पता चली ये बात मैं सब बता देती हूँ घर पे किसको मार के आ रही हूँ किसको पीट के आ रही हूँ मैं तो डर डर के जाती थी स्कूल में भी मैडम मेरी कोई शिकायत नहीं होती थी ना इसी की होती थी ना स्कूल में शिकायत तेरी तो कभी नहीं होती गाइस मैं अच्छा बच्चा हूँ पर लेकिन वो आगे चली गई मैं पढ़ाकू भी था लेकिन वो भानु चुफाल बन गई अफसोस भानु आगे चली गई मैं फाइटर थी तो आप लोग डर सकते हैं मुझसे नहीं इसके साथ लग गई हुई हूँ गेम में इसके साथ ही लगे रहते थे खेलना ही हाँ इसको बेसबॉल खेलना तो मैंने सिखाया मैंने क्रिकेट खेलना सिखाया लेकिन लिरिक्स गजब लिख रखे लिखा भी इन्होंने ही है गाना गाया भी इन्होंने ही है ऐसा आइडिया आया कहाँ से गाना लिख दो तेरे पे मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आपको आइडिया कहाँ से है कि मेरे ऊपर गाना लिख दिया आपने तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ये सीनरी बढ़िया लग रही है गाना अच्छा लग रहा है सीनरी और बीट्स भी बढ़िया है ये गढ़वाली टोन आ रहा है ना बोलने में शायद से सपने में भी आ रही हूँ हमारा घर ऐसी जगह पे ही था यहाँ पे हाथ मम्मी हाथ मांग लिया क्या करूँ मम्मी रिश्ता आ गया मेरे लिए बताओ रिश्ता आ गया सब नाचेंगे गाइस गाने पे सॉरी आई रिश्ता नहीं आया वो ऐसी लिरिक्स लिखी उन्होंने बस अभी
ये लाइन बढ़िया है बस। इतना ही है गाना, खत्म हो गया। मैं भी एक गाना लिखूंगा, पिथौरा गढ़े की गंगा देवी। मम्मी पिथौरा गढ़े की गंगा देवी, बूढ़े नौजवाना तेरी ब्यूटी देख। लिख दो मम्मी तुम्हारे ऊपर गाना। मम्मी को शर्म आ गई। तो गाइस ये गाना जो है खत्म हो गया। मम्मी को सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? सीनरी है क्या अच्छा लगा? ठीक है, आवाज भी सही करके सीनरी चाहिए। अच्छा लिखने चाहिए थे भाई। बर्बाद एक तरफ प्यार में, एक तरफ प्यार में बर्बाद। ये भी गाना भी इन्होंने गाया, लिखा भी इन्होंने, ये पंकज नेगी जी ने। कमेंट्स पढ़ते हैं। सभी लोगों ते मेरो सादर प्रणाम, गाना ते प्यार दिया और लाइक कमेंट जरूर करिया। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ये गाना, आप लोग सुन सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो रिपीट में कमेंट। एक ने कमेंट करा था इसमें कुछ, भावना चुफाल एक ने कमेंट करा है इसमें कुछ, भावना चुफाल से मेरी बात चलती है इंस्टाग्राम पर। मैं चाहूँ तो आपकी बात करा सकता हूँ, पर शर्त है उसके गांव में टावर नहीं आता है, टावर लगवा दो। टावर तो नहीं आते, पर हम आजकल तो दिल्ली में ही रह रहे हैं। पर मैंने मेरी इनसे बात और ना बात चल रही है जबरदस्ती। तो मैंने मतलब ये लोग रिप्लाई के लिए कुछ भी लिख देते हैं कि कैसे ना कैसे रिप्लाई आ जाए बस। तो मैंने रिप्लाई करा कि मैं भावना, मैं ही हूँ भावना चुपाल, मैंने आपसे बात कब करी करके। तो जो सिंगर हमने लिखा है उसके लिए तो मैं टावर भी लगवा दूं। भाई तो बड़ा फैन है भाई। ये नई निंजा टेक्निक है रिप्लाई करवाने के, कमेंट करे। कोई तो समझ जाता है। तो लोग समझ खाली लिख दिया, बातचीत चलती है। कोई कोई तो ऐसे लिख देंगे कि हेट कमेंट लिख देंगे या फिर लड़ाई झगड़े वाला लिख देंगे कि रिप्लाई आ जाए बस। तो मैंने इसमें कमेंट करा था, गजब गाना बना डाला भावना चुफाल करके। तो उन्होंने लिखा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे इस गाने पे बनाया आप पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मम्मी बोल रही है प्रॉब्लम वालों को प्रॉब्लम होगी। तो बस मम्मी सही है, सही लगा। कैसा लगा? बढ़िया लगा, जोरदार। अच्छा अच्छा, गाते रहो बनाते रहो, गाते रहो बनाते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। मम्मी ये करते हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन प्यार में बर्बाद मत हो। जबरदस्त कुछ भी करो लेकिन प्यार में बर्बाद मत हो। आवाज होना है, आवाज होना है। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं बस। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, नहीं ब्लॉग नहीं है, वीडियो अच्छी लगी हो, रिएक्शन वीडियो। आगे भी हो आप थोड़ा गड़े की भावना चुफाल, गाना आ तो गया ये। हाँ गाना आ गया है ये, तो मैं इस पे रील भी बना सकती हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाद मत बोलने ये वाला कट करूँ मैं। तो ऐसी और भी वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए कि मैं किस टाइप की वीडियोज आपके लिए आगे बनाऊँ, रिएक्शन वीडियो या फिर कैसी वीडियो। ओके बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय। Oh, oh, oh.